आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी मन में स्वागत है। आज हम शिक्षा निशाले से आकलन कार्य प्रश्न नंबर 10 करेंगे। क्लास हमारी 8th है, विषय विज्ञान है और डेट हमारी 29 दिसंबर 2021 की है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी ऐसी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो चलिए करते हैं इन सबके आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हो जाएगा लैंगिक जनन, दो अंबिमा मुकुल, इन विटो निश्चेषण। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से अंतरिक्ष निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लें। अब देखते हैं ये क्या निम्नलिखित में किस प्रकार का वर्जन होता है। तो यहाँ का पहले तो इस वाले का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। तो फ्रेंड अब इन चारों का आंसर लैंगिक अब इसका लिख लेंगे। अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। नरजूज जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, ये ट्रू है। अंबिमा मुकुल द्वारा प्रजनन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो गोल होता है ना। और थर्ड है हमारा, तो इस सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा, बल गति पिंड की दिशा नहीं बदलता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये आपकी ये फर्स्ट इसका सही है और दोनों ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमारे जनन तंत्र के नामकिन चित्र बनाए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो कर लेते हैं या पिक्चर में बना लेंगे। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक दिए गए। तो यहाँ से ही हमारा 5 क्वेश्चन का प्रजनन की विधि जिसमें केवल एक जीन शामिल होता है वो होता है अलिंग जनन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कर लेंगे, हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट होता है। हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके मेरे टीचर जरूर चेक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल है उसको ऑल पे सेट करिए। जो मैं वीडियोज डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।